चलो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। हम लोग शुरुआत किए थे प्रोबेबिलिटी एंड नंबर ऑफ वेज एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर हम लोग ने कैनोनिकल एनसेंबल पर आया, और कैनोनिकल एनसेंबल पर आके हम लोगों ने डिस्कस किया कि तीन और जो हम लोग माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल पढ़ते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है ना दोस्त। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो एनसेंबल थियोरीज हैं, एनसेंबल थियोरीज में अगर हम माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल को देखें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सिस्टम जो है इज आइसोलेटेड, सिस्टम जो है टोटली आइसोलेटेड रहता है, ठीक है। जबकि कैनोनिकल एनसेंबल में हम कहते हैं कि चलो सिस्टम तो आइसोलेट है, सिस्टम आइसोलेट है, आइसोलेट है, लेकिन लेकिन पेनेट्रेबल नहीं है, पेनेट्रेबल नहीं है, ठीक है, नॉट पेनेट्रेबल, नॉट, ठीक है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, यस, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता, एक एक तरफ से दूसरे तरफ पेनेट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन जो ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंबल थ्योरी है वो क्या कहेगी कि सिस्टम जो है वो हमारी एनर्जी एंड मैटर बोलो या पार्टिकल्स बोलो जो भी हो, एनर्जी एंड मैटर इन दोनों को एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज, यस, ठीक है, ये इन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की थ्योरी जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि केमिकल एनसेंबल में क्या है। और जब हम लोग ने सारी चीजें डिस्कस की और सारे फॉर्मूलेज इलैबोरेट किए तो हम लोग को ये कंक्लूजन चार पांच फॉर्मल मिले। और देखो एक बात याद रखना, क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो इन्हीं सब में के बीच में से आते हैं। तो हम लोग ने इतने बेसिक से लगातार रिवीजन कर करके रिवीजन किया है, सो आई होप कि यू ऑल गेट अंडरस्टैंड एंड इट इज बेनिफिशियल टू यू आल्सो। सो सी, अगर हम जेड क्या है, जेड है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, या हम पार्टीशन फंक्शन कह सकते हैं किसी सिस्टम को कि कितने तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्या, समेशन ऑफ ई टू द पावर बीटा है, बीटा क्या है 1/kBT है, ठीक है, और एस क्या है, एस सिस्टम, जितने भी टोटल नंबर ऑफ सिस्टम एस है हमारे उसका समेशन है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट एस में होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हम उस पर्टिकुलर स्टेट का एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस बीटा एस एनर्जी के साथ और नीचे जेड से डिवाइड कर दिया, तो जेड को पुट करो और जो भी करो, तो प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली लॉन जेड आ जाती है। जब हम यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करते हैं तुम्हारे इस जेड को, किसके रेस्पेक्ट में, एप्सिलॉन ई एस, मतलब एनर्जी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं। फिर हम लोग उस टोटल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यू के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि पर्टिकुलर एनर्जी ई एस और उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इसके सारे इनपुट कर देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। फिर जब हम इसमें सारी चीजों को इनपुट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है केबीटी पर डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी लॉन जेड, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि एफ क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, राइट। फिर हम लोग ने बोला कि इस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम तीन चीज और निकाल सकते हैं, जिसमें यू म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, एस क्या है हमारा एंट्रोपी है, और पी क्या है हमारी प्रेशर है। इन सबको हम एक एक हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के हेल्प से अगर हम लोग फाइंड कर चुके हैं किसी सिस्टम का, तो हम लोग ये सारे क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस होता है। फाइन, ऑल दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सो टुडे व्हाट वी विल डिस्कस, टुडे वी विल इसको रब कर देती हूँ सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इसी देखो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में तीन एनर्जी लेवल दे दे, चार एनर्जी लेवल दे दे, किसी को रीजनरेट कर दे, किसी को जनरेट कर दे। हमने ऑलरेडी वीडियोस आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर रीजनरेट और जनरेट रहा तो पार्टीशन फंक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बस इसी में फेरबदल करेगा और कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। बट अगर आपको बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर है तो देर इज नो प्रॉब्लम, वन बाई वन स्टेप चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि सिस्टम ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम हैज एनर्जी, एक थर्मल इक्विलिब्रियम का सिस्टम है जहाँ पे एनर्जी जीरो और ई है, उसका जेड निकाला, ऑल्सो फाइंड द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सिस्टम। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ये, ठीक है। सो फॉर वी विल स्टार्ट फ्रॉम जेड। अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि यहाँ पर दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, एक की है जीरो, एक की है ई, क्लियर है, टू एनर्जी लेवल्स है, एक की ई है और एक की जीरो है, ई वन, सॉरी ई टू एंड दिस इज ई वन, क्लियर है।
तो जेड हम क्या लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू समेशन एस इनटू द पावर माइनस बीटा ई एस, राइट। तो हम समेशन करेंगे, मतलब सम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू जीरो प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू ई, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई, क्या ये नहीं होगा जेड इज इक्वल टू, क्लियर है, जेड इज इक्वल टू ये हो गया। अब देखो दूसरा बात क्या है, दूसरा है यू, यू इज इक्वल टू डेल बाई डेल बीटा ऑफ ई टू द पावर लॉन जेड, ठीक है, यू इज इक्वल टू डेल बाई डेल बीटा माइनस ऑफ लॉन जेड। तो हम अगर इसका लॉन जेड लेना चाहें तो लॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन वन हो जाएगा, क्लियर है। इस टोटल क्वांटिटी का हम लेंगे वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई, बीटा ई, राइट। अब तुम बताओ कि लॉन जेड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी आ जाएगी, बताओ, टेल मी, क्या हो जाएगा। तो अगर अगर हमें ये करना हो, डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉन जेड इज इक्वल टू डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉन ऑफ वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई, होगा कि नहीं बताओ, होगा ना। सो व्हाट आई विल गेट, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ठीक है, ये तो हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, भीतर वाली क्वांटिटी यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो ई टू द पावर माइनस बीटा ई इंटू माइनस ऑफ बीटा, बीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस ऑफ ई, क्लियर है, सिंपल सा है, सिंपल सा हमें सिर्फ क्या डिफरेंशिएशन करना है। सो व्हाट आई विल गेट, वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई इंटू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ई, ई टू द पावर माइनस बीटा ई, इसी को अच्छे से अरेंज करके लिख लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ओके, दिस विल बी योर यू। अब उसके बाद क्या है, यू के बाद क्या निकालेंगे बताओ। देखो एक चीज और याद रखना कि अगर हमें एफ निकालना है तो एफ एफ ओके एफ हमारा क्या है, के बी टी लॉन जेड, लॉन तो हम लोग निकाल दिए हैं, उसका के बी टी टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा के बी टी लॉन जेड हो जाएगा, ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी। उसी तरह अगर हम कांस्टेंट रख देंगे किसको, एस, अगर हमें पी निकालना है तो टी और एन को कांस्टेंट रख दो, अगर मुझे एस निकालना है तो वी और एन को कांस्टेंट रख दो, अगर मुझे म्यू निकालना है तो वी और टी को कांस्टेंट रख दो। तो हमारे पास तो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी लॉन जेड का है, एफ का जब हम निकालेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकलेगा, उसमें कांस्टेंट रख देंगे तो सारी क्वांटिटीज ऐसे निकलते जाएंगे, ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल। और देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस गेट में आते हैं। एनीबॉडी कैन से मी कि अगर मुझे सीवी निकालना हो तो, सीवी यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाता है, डेल यू बाई डेल टी, राइट, डेल यू बाई डेल टी, यू हम लोग ने निकाल चुका है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग के लिए सीवी निकालती हूँ, राइट, ओके, नाउ द आप लोग खुद भी कोशिश करो कि सीवी में जेड क्या निकाला था, हम लोगों ने जेड निकाला था वन प्लस बीटा ए माइनस बीटा ए, और एफ क्या निकाला था, के बी टी लॉन्ग जेड। तो उसी तरह अगर मुझे को सी वी निकालना है, क्यों, क्योंकि सी वी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी होता है, इसका मतलब क्या कि हमें सी वी निकालने के लिए डेल बाई डेल टी ऑफ किसका करना पड़ेगा, एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस बीटा ई अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई। सिंपल सा जो तुम लोग डिफरेंशिएशन निकाल दो, क्यों, तुम लोग का जो सी वी आता है, कभी कभी होता है ना नेट के एग्जाम में देख लो या जस्ट के एग्जाम में देख लो या गेट के एग्जाम में देख लो, सी वी इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन इसी वजह से तो आता है, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन करना है आपको, लेकिन इट इज सो ईजी, ठीक है। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ये तो पहले वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई आ जाएगा, फिर डेल बाई डेल टी ऑफ योर दिस एक्सप्रेशन एप्सिलॉन ई ई टू द पावर माइनस बीटा ई, राइट, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस ई ई टू द पावर माइनस बीटा ई, अब डीएल बाई डेल टी ऑफ किसका हो जाएगा, नीचे वाले एक्सप्रेशन का वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई, क्लियर है, अपॉन में ये स्क्वायर में आ जाएगा वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बीटा को सारे के सारे बीटा को टी में कन्वर्ट कर दो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन प्लस ई टू द पावर माइनस के बीटा है ना, तो बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन के टी, तो एप्सिलॉन ई बाई के टी हो जाएगा, क्लियर है, डेल बाई डेल टी ऑफ ई ई टू द पावर माइनस वन अपॉन के टी इंटू ई, पूरा ई लिख दो, ई बाई के टी हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस
ई बाई के टी डेल बाई डेल टी ऑफ वन प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी डिवाइडेड बाई नीचे वाला तो वही रखो, अभी उतना निकालने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, बस डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें, क्लियर है कि नहीं बताओ, इज दिस इज क्लियर टू यू ऑल और नॉट। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या हो जाएगा, वन प्लस ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी इंटू ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन इंटू ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी, और नीचे है तो के टी माइनस वाला हो जाएगा, सो इट विल बी योर माइनस एप्सिलॉन बाई के इंटू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, राइट, यही होगा ना, यही होगा। सो नेक्स्ट तुम्हारा एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी इंटू ये इसका टोटल, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी इंटू माइनस एप्सिलॉन बाई के इंटू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई तुम्हारा वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन स्क्वायर। इसी को सॉल्व करोगे सो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, कैसे निकालना है। ऐसे ही कभी कभी क्या कर देगा, कभी कभी क्या कर देता है कि तीन एनर्जी लेवल्स बता देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बोल देगा कि ऐसे तीन एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, एक की माइनस ई है, जीरो है, और दूसरे की प्लस ई है, क्लियर है। तो जब ऐसे सिचुएशन आएगी तो तुम बताओ जेड क्या हो जाएगा, जेड इन तीनों का समेशन हो जाएगा, ई टू द पावर, ई टू द पावर माइनस माइनस बीटा इंटू माइनस ई हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका जेड क्या हो जाएगा, फिर इसका जेड हो जाएगा ई टू द पावर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बीटा ई प्लस वन, इसका तो वन हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा। क्या ये तुम्हारा किस टाइप का फंक्शन है, हाइपरबोलिक कुछ लेके आएगा ना, ये कुछ हाइपरबोलिक किस्म का होगा, तो हाइपरबोलिक किस्म का होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, टेल मी, जब हम इसको हाइपरबोलिक किस्म का लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा बीटा ई है और इधर बीटा ई है, एक का माइनस ई है, एक का प्लस ई है, क्लियर है। सो इट विल बी अ हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉस एच बीटा ई का, हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉस एच बीटा ई का, क्लियर है। सो इसी तरह ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, और इसी तरह ही क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना पड़ता है, बस इसमें चार पांच है, इस फॉर्मूले को रटना भी नहीं है, दो बार लिखोगे चार बार लिखोगे ये आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बिलीव मी, बिना प्रैक्टिस के नहीं मिलता, आई ऑलवेज इवन क्लास में हर एक बार मैं यही कहती हूँ प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, सो अंटिल यू डू प्रैक्टिस नेवर, लेके बैठ जाओ एक दिन, लेके बैठ जाओ करना ही है, सो यू विल स्टार्ट। जितनी थ्योरीज तो होती रहती है कंटिन्यूअसली, इधर से इधर थ्योरीज होती रही है, बट प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि कहीं पर दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जो आता है क्वांटम ऑसिलेटर्स के ऊपर, या हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जब हम उसको क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करते हैं, या हम लोग उसको क्लासिकली ट्रीट करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक ट्रीटमेंट तो हम वही कैनोनिकल मैकेनिक्स का ही देखें, कैनोनिकल एंसेंबल का देखें सॉरी, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम ऑसिलेटर्स का। देखो जो मेरे पीजीटी और के स्टूडेंट्स हैं आपको पता होगा कि हम लोग ने वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर को जस्ट फिनिश किया, तो सारे जो ऑपरेटर्स मेथड एंड ऑल दोस थिंग्स मैंने यूट्यूब फ्रेंड्स से आप देख सकते हो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ओके सो अगर मैं क्वांटम ऑसिलेटर्स की बात करूँ तो हम जानते हैं कि क्वांटम ऑसिलेटर्स इसका मतलब कि ऑसिलेटर है तो वी इज इक्वल टू वन बाई टू के एक्स स्क्वायर होगा इसका पोटेंशियल, राइट। उसके बाद हम जब टोटल एनर्जी यानी हैमिल्टोनियन लिखेंगे, टोनियन लिखेंगे जो कि एच है हमारा, अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो जब हम जानते हैं इस हैमिल्टोनियन जो कि हमारी टोटल एनर्जी है इसकी वैल्यू वन एन प्लस एन वन बाई टू एच कट ओमेगा मिलेगी, यानी हम एच को ऐसे भी लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एन एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा बाई टू, राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इज दिस क्लियर टू यू ऑल। अब देखो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अपना आपका जेड लूंगी, जेड इज व्हाट, माय पार्टीशन फंक्शन,
पार्टीशन फंक्शन राइट। ये क्या कहता है, समेशन एस जाएगा, किसका समेशन हो जाएगा, माइनस बीटा एप्सिलॉन ई एस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है हमारा, अब देखो जब ये है तो ये क्या है, हमारी टोटल एनर्जी है। तो इस ई में तो मैं इसको ई भी कर दूं या मैं ऐसे लिख दूं इसको, एनएथ टाइम हम जा रहे हैं क्योंकि अब हम एनएथ टाइम जाने की कोशिश कर रहे हैं और ई, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं सबका टोटल लिखूंगी तो मेरे पास ये आ रही है ना, तो इसका मतलब मैं कैसे लिखूंगी, ई टू द पावर माइनस बीटा टाइम्स ऑफ एन प्लस वन बाय टू एच कट ओमेगा, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ई टू द पावर माइनस बीटा एन एच कट ओमेगा प्लस, मतलब माइनस टाइम्स हो जाएगा बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। नाउ टेल मी, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, समेशन एन टाइम्स ई टू द पावर माइनस बीटा एन एच कट ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ। ओके, आई कैन राइट लाइक दिस वे, राइट, आई कैन राइट। अब देखो ये जो पार्ट है ये क्या है, कॉन्स्टेंट टाइप का पार्ट है, तो मैं समेशन से बाहर निकाल दूँ इसको, तो समेशन से जब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, समेशन लगाओ, समेशन में अब समेशन की चीजें रहेंगी, ई टू द पावर एन बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है। अब ये एक जीबी का सम चलाएंगे हम इसको, क्यों, क्योंकि हम इस एप्सिलॉन ई को खोलना चाह रहे हैं, इस एप्सिलॉन ई को खोलना चाह रहे हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, जब हम इस एप्सिलॉन ई को खोलना चाह रहे हैं, एक्चुअली मैं जेड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसके पहले तो मैंने माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय टू लिखना है, ठीक है। इसके बाद इस जो है इसको खोलना है, तो ये कैसे खुलेगा, वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है, प्लस ई टू द पावर माइनस टू बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है, प्लस ऐसे करते 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 चलता जाएगा। तो ये किस चीज का टर्म है बताओ, ये एक जीपी सीरीज चल रही है, जीपी सीरीज चल रही है, तो जीपी सीरीज में, जीपी सीरीज में टोटल सम क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, क्लियर है। कोई भी एक टर्म अगर लेना चाहे तो हमारा ऐसा होगा, और जो ऊपर का जो जा रहा है, ऊपर का जो जा रहा है वो आर, ये आर क्या है, आर जो हमारा रेशियो लेते हैं, सो व्हाट विल बी दिस, तुम्हारा ये बीटा एच कट ओमेगा हो जाएगा, बीटा एच कट ओमेगा ई टू द पावर माइनस, क्लियर है। जब ये ऐसे आ जाएगा तो आई कैन राइट, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है ए, सो मेरा जो जेड बना वो क्या बना बताओ, मेरा जो जेड बना वो क्या बना, ये अगर मैं इस सम को ही लिखना चाहूं किसी एक टर्म के लिए, तो वन अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ये बना सम बना। सो हाउ कैन आई राइट माई जेड, देखो यहाँ पे क्लियर है सबको, ऐसा कोई है जो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर, प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एनसेंबल थ्योरी ही ले रहे हैं, एनसेंबल थ्योरी यानी कि जिसमें हम एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, बस सिस्टम मेरा आइसोलेटेड ही है, यहाँ पे मैटर एस्केप नहीं हो सकता है, मैटर भी एक्सचेंजेबल नहीं है, पेनेट्रेबल नहीं है हमारी जो बॉडी है, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वन बाई टू एच के एक्स स्क्वायर, तो हम हैमिल्टोनियन ऐसे लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ जो टोटल एनर्जी है हमारी क्वांटम ऑसिलेटर्स की वो है हमारी है, इसको ब्रैकेट को खोल के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों हमको ऐसा लिखना पड़ा, क्योंकि हमें पार्टीशन फंक्शन जो जेड है हमारा वो चाहिए, क्योंकि जेड मिलेगा तो सारे फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे, जेड नहीं मिलेगा तो इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक और नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो जेड निकालने की कोशिश चल रही है यहाँ पे कि कैसे हमारा ये जेड निकल रहा है, ये सारी कवायद हमने की वो जेड निकालने के लिए कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जीपी कहाँ उड़ के आया, क्योंकि जब हम इस एप्सिलॉन टर्म को खोल रहे हैं ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा को, तो हमारे पास एनएथ टर्म की जीपी सीरीज मिली, उसमें सम हम ऐसे लिखे, तो इन सभी चीजों को कंक्लूड करने के बाद तो जेड क्या मिलेगा, जेड मिलेगा ई टू द पावर माइनस वो वाला बीटा एच कट ओमेगा बाई टू, और नीचे क्या मिलेगा बताओ, नीचे हमारा सम वाला टर्म मिलेगा, तो वन माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, माइनस बीटा एच कट ओमेगा, क्लियर है।
इज दिस क्लियर? अब मुझे बताओ यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे वाले टर्म की ही बात चल रही है, नीचे वाले टर्म की ही बात चल रही है, ये माइनस है तो नीचे आके प्लस में चेंज हो जाएगा ना, इट विल बी लाइक दिस वे, जेड इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा इन टू होल टर्म में नीचे आ जाएगा बीटा एच कट ओमेगा बाई टू। क्लियर है? इसको ओपन कर देना, देखना साइन के हाइपरबोलिक में कुछ आएगा, देख के ही लग रहा है कि ये साइन के हाइपरबोलिक में आएगा, कैसे आएगा बता रहे। सी कैसे आएगा, लेट्स कैलकुलेट दिस वन, कैसे आएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू वन अपॉन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई टू, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। सो वॉट आई विल गेट, वॉट आई विल गेट, वन बाई टू गेट वी विल गेट, राइट। एक तो हमारे पास क्या मिलेगा, वन बाई टू, तो वन बाई टू प्लस वाले में आएगा कि माइनस वाले में, और यहाँ पर जो है हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है, पहले वन के साथ जो मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई टू आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा कि नहीं बताओ, ये आएगा ना, जब ये आएगा तो ये एक टू हाई साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की तरह है, किसका फंक्शन बनेगा, तो ये फंक्शन बनेगा बीटा एच कट ओमेगा बाई टू का, बनेगा कि नहीं, ये टोटल चीज हमें यही दिखा रही है। सो व्हाट आई विल गेट, जेड इज इक्वल टू वन अपॉन टू साइन हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई टू। किसको क्लियर नहीं है, किसको क्लियर नहीं है, टेल मी, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। तो अब जब हमारे पास z आ गया तो हम तो सारी चीजें जानते हैं, इस z को हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले लॉन z बनाएंगे, लॉन z बनाएंगे, फिर लॉन z बनाने के बाद हम u c v s p ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ये x z ही हमारा मोर इम्पोर्टेंट था। नाउ टेल अस क्या बना ओवरऑल, z हमारे पास क्या बना, z इज इक्वल टू, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin h हाइपरबोलिक एच कट ओमेगा बाई टू, या तो ऐसे लिखो, या तो इसको z को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई टू, सॉरी एच कट ओमेगा बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। पहली चीज देखो हम क्या जानते हैं, u इज इक्वल टू डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉन्ग z, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि माइनस टाइम्स ऑफ डेल बाई डेल बीटा किसका लेंगे, लॉन बनाना पड़ेगा, इसको लॉन बनाना, लॉन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई टू, इसको लॉन बनाएंगे, माइनस इसको लॉन बनाएंगे, वन माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा इसके, ठीक है, माइनस टर्म इसको बाहर ले लो तो डेल बीटा माइनस टर्म बाहर लेंगे तो ये वन अपॉन में आ जाएगा ना, वन अपॉन में आ जाएगा, जब ये वन अपॉन में आ जाएगा तो देखो एक तो चीज ये है, क्लियर है। अब इसको डेल बीटा के रेस्पेक्ट में चेंज करना है, पहली बार इसको हमें किसके रेस्पेक्ट में चेंज करना है, डेल बीटा के रेस्पेक्ट में चेंज करना है, तो क्या हमें दिक्कत आनी चाहिए क्या, टेल मी, दिक्कत आनी चाहिए क्या, एक सेकंड, सॉरी ये तो यहाँ पर सब कुछ नहीं था, सो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, ये लॉन्ग टाइम्स में। अब हम एक एक करते एक काम करते भीतर डालते हैं, तो डेनस डेल बाई डेल बीटा अब किसका निकालना है, लॉन ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई टू, फिर इसको बाहर निकालो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ डेल बाई डेल बीटा ऑफ वन माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। क्या हम सिंप्लीफाई तरीके से हमेशा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं क्या निकाल रहे हैं हम लोग, यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, इंटू यही रहेगा ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई टू, बीटा टाइम्स करना है तो माइनस टाइम्स आ जाएगा एच कट ओमेगा बाई टू, क्लियर है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब प्लस, अब ये इसका करना है तो वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस टाइम्स है, वन माइनस ये हो जाएगा एच कट ओमेगा इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो आ जाएगा, क्लियर है।
माइनस टर्म्स ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा एच का ओमेगा इंटू माइनस एच का ओमेगा हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इजिली कर सकते, इजिली आंसर आ जाएगा। सो ट्राई टू सॉल्व लाइक दिस वे, जैसे u निकला, सी बी निकलेगा, एस निकलेगा, एफ निकलेगा। एफ क्या होता है भाई, एफ होता है माइनस के बी टी, नॉन ऑफ जेड, नॉन निकाल लिए हैं तो नॉन जेड से कर देंगे हम लोग। क्लियर है ना, इज दिस क्लियर? आई थिंक इट इज वेरी वेरी इजी। आई होप आप अगर कंटिन्यूसली चार आई थिंक 6 या 7 वीडियोस बने हैं, जब एक चीज क्लियर हो जाती है। अब देखो जैसे हम लोग इस एनसेंबल थ्योरी में एनर्जी को एक्सचेंज करवा रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरी में जो ग्रैंड कैनोनिकल है, ग्रैंड कैनोनिकल में हम लोग एनर्जी को भी एक्सचेंज करवाएंगे और म्यू को, तब जाके म्यू की एग्जिस्टेंस आएगी। हम लोग एन जो कैपिटल एन है उसको भी एक्सचेंज करवाएंगे। सो वी विल गेट अवर